जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज रंजीत सर का ये आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका प्रैक्टिस शीट नंबर 7 बनाने जा रहे हैं। ये आपका रंजीत सर का प्रैक्टिस शीट नंबर 7 है। ये आपका क्लास 1 से 5 के लिए है, यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती क्लास 1 से 5 का यह प्रैक्टिस शीट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको हम प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से लेकर 6 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। हाँ, इससे पहले आपका प्लेटफॉर्म का यानी आपका प्लेटफॉर्म का 21 प्रैक्टिस शीट करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सबका आपका अलग अलग प्ले लिस्ट बनाया गया है, यानी सभी पब्लिकेशन का आपका जो बुक का प्रैक्टिस सेट करवाए हैं इसका आप अलग अलग आपका इसमें प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहां से आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो ये थी आपका चौड़ी और सीधी, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। आपको देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय का आपका दो विशेषता थे। एक था कि वहाँ के सड़क समकोण पर काटते थे, वहाँ के सड़क समकोण पर काटते थे, और दूसरा था कि वहाँ पर विशिष्ट जल निकासी प्रणाली थे। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषता थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। ये होता आपका सिंहभूम क्षेत्र में, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन आपका है कि स्वामी शाहजादन निम्न से किससे संबंधित थे। ये था आपका बिहार में किसान आंदोलन से, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक किस भाषा में रचना की गई है। ये कि आपका पाली भाषा में। त्रिपिटक में आपका यानी शुद्धपिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक शामिल है। शुद्धपिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक शामिल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। तो ये आपका लिपि अभी तक अज्ञात है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक तो कोई नहीं पढ़ सका है, यानी कि आपका ये अज्ञात है। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। ये आपका है अनाज आधारित उद्योग का, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति में से सबसे अधिक लाभ हुआ है। देखिए मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, जब आपका कीमत के स्तर बढ़ जाते हैं तो हम उसे कहते हैं मुद्रास्फीति, यानी इतना जानो कि महंगाई बढ़ जाते हैं। तो मुद्रास्फीति में आपका सबसे ज़्यादा आपका बचत लाभ किसको होता है, तो ये होता है आपका लेनदार को, यानी जो कर्ज लिया है, ऋणी को सबसे अधिक फायदा होता है, यानी ऋणी को फायदा होता है, लेकिन ऋणदाता को नुकसान होते हैं, यानी हानि होते हैं। ऋणदाता को हानि होते हैं, नुकसान होते हैं, लेकिन ऋणी को लाभ होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका यानी संरक्षक कौन था। तो ये था आपका बैरम खां, कौन थे, बैरम खां। चलिए ऑप्शन देखते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अकबर के संरक्षक कौन थे, बैरम खां थे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन आपका है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था। तो ये होना पड़ता आपका हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध आपका 1576 ईस्वी में हुआ था। ये होता आपका यानी महाराणा प्रताप और आपका अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हुए थे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन आपका है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो संथाल बांका जिला सही है, मुंडा या आपका जमुई जिला में नहीं है। मुंडा जनजाति आपका या आपका भागलपुर और आपका बक्सर जिले में है, भागलपुर आपका और बक्सर जिले में आपका ये मुंडा जनजाति है। तो आपका बी आपका गलत हो जाएंगे, जबकि आपका इस बुक में इसका आंसर गलत दिया है। तो रंजीत सर का जो बुक है इसके आंसर से आप आंसर कभी मैच नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो जिसे हम करेक्शन करके आपको हम बताते हैं। तो इसके बुक से आंसर आप मत मिलाइएगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सारा बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत है, आप गलत ही याद कर लीजिएगा। तो जिसको पता नहीं है वो क्या करेंगे, गलत ही याद कर लेंगे, उसको लगा वही सही है। तो हम इसको पूरे सही से आपको बताते हैं। तो देखिए इसका आंसर हालांकि वो गलत दिया है यानी डी दिया है, लेकिन इसका आंसर सही क्या होगा, तो बी होगा, यानी मुंडा जनजाति आपका जमुई जिला में नहीं है, ये आपका बक्सर और रोहतास जिले में है, यानी आपका ऑप्शन इसका क्या होगा, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रमिक क्रम में लिखे। देखिए सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, ठीक। फिर आपका है वास्को डिगामा का भारत आगमन, ये होता आपका
1498 ईस्वी हुआ था। फिर आपका है बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, कब किया था, 1526 ईस्वी किया था। अब देख लीजिए आपका कौन पहले होगा, तो सबसे पहले होगा आपका सबसे पहले होगा आपका क्या, यानी 1498 वास्को डिगमा का आगमन यानी 2 होगा। इसके बाद होगा आपका कौन, इसके बाद होगा आपका 2 के बाद 3 फिर 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन आपका है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था, तो ये क्या था आपका सरोजिनी नायडू, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। महात्मा गांधी आपका कांग्रेस की तरफ से यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गया था, और ध्यान रखिएगा कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है, किस में लिया था, सिर्फ द्वितीय में भाग लिया है। आपको बताना है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, ऐसे आपका कितने व्यक्ति थे और कौन कौन थे जो यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन आपका है कि पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था, 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 13, यानी कब भेजा था, 1907 में भेजा था, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपर में महान रंजीत सिंह को सम्मानित किया था, तो ये किए थे, याद रखिएगा विलियम्स बेंटिंग ने, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन आपका है कि 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये क्या था आपका वारधा में, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था, तो ये क्या था कोलकाता के विशेष अधिवेशन में, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन आपका है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र प्रतिशत है, तो ये आपका है 7.84% है, 7.84% है। आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए में इसके नज़दीक दिया है, नहीं लगा आपका, लेकिन नेट याद रखिएगा 7.84% आपका वन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन आपका है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, ये किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने, यानी धन के निकासी का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है, तो ये आपका है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था, इसमें आपका शामिल कौन नहीं था, तो दिनेश गुप्ता ये आपका शामिल नहीं थे, जबकि कल्पना दत्त, सूरी सेन और प्रीति लता वाडेकर ये आपका इसमें शामिल थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है, ये रखता है आपका पृथ्वी के पटल यानी भूपटल, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जापान में सूर्योदय सबसे पहले होते हैं, क्योंकि आपका जापान सबसे पूरब की ओर स्थित है। अब देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कि जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 23 है, क्वेश्चन है कि विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है, ये देता है आपका रूस, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन आपका है कि सिराको तूफान का सही दिशा का चयन कीजिए, ये आपका सहारा से भूमध्य सागर की होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो ये होता है आपका मरुस्थल में। मरुस्थल में आपका दिन को तो सबसे अधिक तापमान रहेंगे, और जैसे आपका ठंडी आएगा यानी रात को, वहाँ पर आपका तापमान बहुत ही न्यूनतम हो जाते हैं। इसको अंतर देखा जाए तो सबसे अंतर आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में देखा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 26 है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो ये आपका है अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका महादेश में आपका 54 देश है, जबकि आपका एशिया महादेश में 52 देश है। आपका देखिए सबसे बड़ा एशिया महादेश है, क्षेत्रफल भी है, आपका जनसंख्या भी सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। लेकिन देशों में कहा जाए सबसे अधिक देश किस में है, तो यह है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। ये क्वेश्चन आपका BPSC में पूछा गया है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो प्रतिशत के अनुसार देखा जाए कि आदिवासी किस राज्य में है, तो आपका मिजोरम में सबसे अधिक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 27 का आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्था है जो इस राज्य में स्थित है। ये आपका है यानी आंध्र प्रदेश में यह स्थित है, यानी हैदराबाद में स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 29 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? तो ये आपका है भावनगर गुजरात में, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये आपका जैन मंदिर है, यानी जैन धर्म का मंदिर है, जैन मंदिर है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आपको पता होना चाहिए सबसे लंबी तट रेखा किसका है, तो गुजरात का है, यानी देखिए कौन सा ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, गुजरात है। जबकि आपसे कहा जाए कि विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाली देश कौन सा है, तो ये आपका कनाडा, कौन है आपका कनाडा है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन है कि मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है असम राज्य में, असम के ब्रह्मपुत्र नदी में यह आपका मांजुली द्वीप है, जो आपका विश्व के सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन 32 है कि देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएँ लगती है? अब देखिए आप अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से यानी देश सीमा लगाती है, ये आपको बताना है। ये लगाता है आपका भूटान, चीन, म्यांमार, कौन लगाते हैं, भूटान, चीन और म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, सर क्रिक कहाँ स्थित है? ये आपका है गुजरात के साथ लगे भारत पाक सीमा पर, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 34 है, क्वेश्चन आपका है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित प्रदेश राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती है, यानी यह है आपका पांडुचेरी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन आपका 35 है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? ये लगता है आपका बांग्लादेश, यानी भारत का सबसे लंबी यानी जो सीमा लगाती है वो आपको लगाती है बांग्लादेश के साथ। ये कितना लगाती है, तो 4096 किलोमीटर, याद रखिएगा 4096 किलोमीटर। इसके बाद आपका चीन से लगाते हैं कितना, 3488 किलोमीटर। इसके बाद हम लगाते हैं किससे, पाकिस्तान से कितना, 3323 किलोमीटर। और नेपाल से कितना लगाते हैं, तो नेपाल से लगाते हैं आपका 1751 किलोमीटर। इस सभी डाटा को आप याद रखिएगा। और सबसे कम सीमा किससे लगाते हैं, तो भारत आपका सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगाते हैं, अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा लगाते हैं, कितना लगाते हैं, तो आपका 106 किलोमीटर सीमा लगाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि औसत स्थिर लागत वक्र होती हैं, ये होता है आपका यू आकार वाली, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन आपका 37 है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर है, तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो यानी कुल राष्ट्रीय आय बटे यदि हम कुल जनसंख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो उसे आता है आपका प्रति व्यक्ति आय, यानी राष्ट्रीय आय बटे
कुल जनसंख्या। अब देख लीजिए किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, राष्ट्रीय आय भागा देश की कुल जनसंख्या यानी कुल आबादी, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 38 है, क्वेश्चन 38 है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दी गई है, ये आपका दिया है अनुच्छेद 243 के जी में, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, क्वेश्चन आपका 39 है कि नागरिकता संशोधन कब पारित हुआ था, ये भी आपका बीपीएससी में पूछा गया था, उस समय का ये आपका करेंट अफेयर है, तो ये होता आपका 11 दिसंबर 2019 को, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 40 है, क्वेश्चन आपका 40 है कि उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होता है, ये होता आपका आरामदायक वस्तुओं में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश से बनी थी, ये बने थे आपका श्रीलंका से, कौन बने थे तो सिरिमाओ भंडार नायके, यानी विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो भी श्रीलंका से, कौन, सिरिमाओ भंडार नायके, सिरिमाओ ये याद रखिए भंडार नायके, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 42 है, क्वेश्चन आपका 42 कि कौन सा एक ऐसा देश है अभी भी राजा शासित है, ये आपका है सऊदी अरब, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 43 है, क्वेश्चन आपका है कि सीटीबीटी व्यक्त करता है, सीटीबीटी व्यक्त करता है शस्त्र नियंत्रक उपाय, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सीटीबीटी का फुल फॉर्म आपका होता है आपका व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, क्या है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है कि जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था, ये किया था आपका रूसो ने, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रूसो ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन है कि भारत में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है, तो ये आपका संघ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी के लिए करता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन आपका है कि एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है, सभी सदस्य का बताता है, यानी जितने भी सदस्य इसमें आपका चुनाव में खड़ा रहते हैं सभी का इसमें प्रायोरिटी देने पड़ते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सभी के लिए मतदान। जैसे देखिए इसे मान लीजिए कि 3 आदमी खड़ा है, 1 2 3, तो इसमें देखिए आपका जो पसंद है सबसे पसंद करते हैं कि इसको बनाना चाहिए यानी राष्ट्रपति, तो उसको आप क्या कीजिए, फर्स्ट में उसको दीजिए, उसके बाद सेकेंड में किसको रखना चाहते हैं उसको दीजिए, थर्ड में किसको रखना चाहते हैं उसको दीजिए, यानी जितने भी कैंडिडेट रहेंगे सभी का आपका प्रायोरिटी देना पड़ेगा उसमें, तो ऐसे होता है आपका, यानी तो एकल संक्रमण विधि से किसका चुनाव होता है, तो आपका राष्ट्रपति का चुनाव इसी विधि से होते हैं, और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव उसी विधि से होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्य का चुनाव इसी प्रक्रिया से होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है कि कानून को लागू करने का कार्य किसको होते हैं, ये होता है आपका कार्यपालिका का, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 48 है, क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के सिविल अधिकारियों में सर्वोच्च कौन है, केंद्र सरकार के सिविल अधिकारियों में सर्वोच्च कौन है, तो ये आपका है यानी कैबिनेट सचिव, कौन हो जाएगा, कैबिनेट सचिव हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन सूची का विषय है, तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में आपका शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी इसमें आपका राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची बनाया गया है। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकते हैं, संघ सूची के विषय पर संघ सरकार बना सकते हैं, और आपका समवर्ती सूची के विषय पर राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर किस सूची का विषय है, तो यह आपका राज्य सूची के विषय है, यानी भवनों और भूमि कर कौन लगाते हैं, तो राज्य सरकार लगाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट का क्वेश्चन 51 है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को जोड़ते हैं तो ये जो तबका यानी सीरीज में आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे कि जीवित तार के साथ श्रृंखला में यानी आपका श्रेणी क्रम में, इसे याद रखिएगा श्रेणी क्रम या इंग्लिश में सीरीज में, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है, क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी तरंग निर्वात में नहीं गुजर सकती है, ये आपका ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग आपका एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये आपका इसी इसको गमन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए वो आपका निर्वात में गमन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है, क्वेश्चन आपका है कि जब एक बार चुंबक को या को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है तो उसके प्रत्येक भाग के ध्रुवीय क्षमता क्या होते हैं, तो पहले जैसा ही होती हैं यानी पूर्ववत बनी रहती है। देखिए जैसे आपका ये चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, उसको जब कट कीजिएगा तो ये भी आपका इसी बन जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा, फिर इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएंगे, यानी सेम बिहेव करेंगे पहले ही जैसा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है, क्वेश्चन आपका है कि लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न से किसका प्रयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, इसका सूत्र होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 55 है कि गर्मियों में अत्यधिक पसीने के बचाव के लिए निम्न से कौन सी यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, घमौरी नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये करते हैं आपका बोरिक अम्ल का, किसका यूज करते हैं, तो बोरिक अम्ल का यूज करते हैं। बोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3BO3, ये आपका बोरिक अम्ल का सूत्र है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 56 है, क्वेश्चन आपका है कि पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किया जाता है, तो ये करते हैं आपका बेंजोइक अम्ल और सोडियम के लवण, यानी बेंजोइक अम्ल के साथ सोडियम लवण, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी सोडियम बेंजोनेट बोल सकते हैं, सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है कि ऐसे सूक्ष्मजीवी जो बीमारी पैदा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रोगाणु कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या कहते हैं, रोगाणु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग यानी SARS का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो ये आपका है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 59 है कि रेबीज क्या है, तो रेबीज एक बीमारी है, ये आपका विषाणु जनित रोग है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कुत्ता यानी सॉरी जानवर का काटने से आपका रेबीज बीमारी होते हैं, यानी कुत्ते के काटने से भी आपका रेबीज बीमारी होते हैं, तो ये आपका विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है कि पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकते हैं उसे हम कहते हैं मेरुद्भिद कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मेरुद्भिद कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये था आपका गोपाल कृष्ण गोखले, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, महात्मा गांधी गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो ये थे आपका गोविंद रनाडे, कौन थे, गोविंद रनाडे थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है, वंदे मातरम आपका आनंद मठ से लिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, वंदे मातरम आपका आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है, क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ किया गया था, ये क्या था आपका ढाका में, यानी बांग्लादेश के ढाका में किया गया था, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो ये क्या था आपका सलीम उल्ला खां और आगा खां मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है, क्वेश्चन का है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई, ये 1891 में इसका जन्म हुआ था और 1956 में इसके मृत्यु हो गए थे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन है कि खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये हुआ आपका 1920 में, इन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यह हुआ था आपका दिसंबर 1885 में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, किसने किया था तो ए ओ होम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपका डब्ल्यू सी बनर्जी थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67 है, क्वेश्चन है कि भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया था, ये क्या था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आपका सती प्रथा को समाप्त किया था। इसमें सहयोग था किसका, तो राजा राममोहन राय के सहयोग से हुआ था, यानी राजा राममोहन राय का सहयोग इसमें था आपका सती प्रथा को अंत करने में। कब हुआ था तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था, ये बताया था आपका आत्मनियंत्रण, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69 है कि 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, ये खिताब का कमल और रोटी, क्या थे कमल और रोटी इसका प्रतीक थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी, तो इसमें आपका भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को एक साथ फांसी दिया गया था, जबकि इसमें आपका बुटकेश्वर दत्त शामिल नहीं थे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता या हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है, ये पहचानता है आपका पश्चिमी घाट को, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये आपका हो जाएगा पोषण स्तरों की कम संख्या, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ याद रखेगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई को मनाते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है कि निम्न से कौन सा प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो ये आपका है वैश्विक ऊष्मन, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, ऑप्शन ए है कि यह अजैव और जैव दोनों घटकों से युक्त होते हैं, बिल्कुल सही है, और इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह भी सही है, सी है यह एक बंद तंत्र है, नहीं यह एक ओपन तंत्र है, यह एक ओपन तंत्र है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या गलत है, डी है यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी आपका सही है, यानी इसमें गलत कौन है, तो सी हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, कृत्रिम यानी मानव निर्मित है, ये आपका जगह धान का खेत, ये आपका क्या है मानव निर्मित है यानी कृत्रिम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 है कि इस खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव क्या है, तो मानव आपका प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है, क्योंकि आपका मानव जो होते हैं वो आपका शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, यानी आपका सर्वाहारी होते हैं, यानी आपका प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों है आपका मानव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, ये आपका है प्राकृतिक आवासीय विनाश, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, प्राकृतिक आवासीय विनाश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 है, क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, यह आपका यानी वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 है, क्वेश्चन आपका 79 है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर जाती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी, ये हुई थी आपका 2008 में, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन,
O2 ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि CH4 मीथेन यह भी है, CO2 यह भी है, NO2 ये भी है। आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होते हैं, तो मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तीनों हो सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 है, क्वेश्चन आपका है कि जैव विविधता के अत्यधिक संकट है, जैव विविधता के अत्यधिक संकट है प्राकृतिक विनाश एवं वनस्पतियों के विनाश से। आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, 83 का आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है। आपका ऑप्शन वन है कि जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, बिल्कुल सही है। टू है कि तेल चलित स्वचालिकों की संख्या में विस्फोटन, ये भी सही है। सी है कि सौर धधक में वृद्धि, ये आपका गलत है। फोर है अत्यधिक वनों उन्मूलन यानी वन की कटाई, ये भी आपका सही है। यानी 1, 2, 4 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1, 2, 4 आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85 है, क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थितिकीय तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है। यह आपका है यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86 है, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन ए है पारा यानी मिनी माता बीमारी, ठीक है। पारा से होता है क्या होता है, मिनी माता रोग होते हैं। कैडमियम कम से कटाई रोग होते हैं, ये भी सही है। नाइट्रेट और आयरन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी सही है। और आपका फोर है कि क्लोराइड आयन्स, इससे आपका अपच नहीं होते। क्लोराइड आयन्स की कमी से आपका क्या होते हैं, तो दांतों में सड़न होने लगते हैं, यानी दांत आपका सड़ने लगते हैं। आपका ऑप्शन डी इसमें गलत है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87 है, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है, 0.03%। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी आपका वायुमंडल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो आपका 0.03% है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 88 है, क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया है, ये किया 1980 में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है, क्वेश्चन है कथन ये है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। आर है कि मौसम के चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य श्रृंखला पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, दोनों आपका सही है लेकिन आपका एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका होगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। ये कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये आपका सर्वप्रथम यानी पहला नेशनल पार्क है। ये इसका स्थापना कब हुआ था, 1936 में हुए थे। इसका पूर्व नाम क्या था, इसका पूर्व नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क था, इसे भी याद रखिएगा। अब 91 से आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है, चलिए हम अब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए आपका 91 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं दी गई है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, 2:6 बना। देखिए पहली संख्या और आपका दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, तो आपका 2:7 है। और कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है, यानी दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है, ये आपका 5:8 है, ठीक है। तो कह रहा है पहली और तीसरी का क्या होगा, तो हमें सभी का अनुपात निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए 2, यहाँ भी 2 है, तो 2 का सम यहाँ 7 है, यहाँ जाके 5 है, यहाँ दोनों तो है सेकेंड है लेकिन दोनों में अंतर है, तो क्या करेंगे, सेम करने के लिए इस 5 को यहाँ गुना कीजिए और इस 7 को यहाँ गुना कर दीजिए, ठीक। ये आपका आ जाएगा क्या, 5 × 2 = 10 हो जाएंगे, 5 × 2 = 10 और 7×5 = 35, यानी 10:35 हो गया। यहाँ भी आप गुना कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा क्या, 7×35 = 8/56 आ जाएंगे, यानी 10:35 यहाँ 35:36। आप देखिए 2 यहाँ था, 2 की जगह कितना है 35 है, यहाँ भी 2 की जगह कितना है 35 है, यानी अब सेम हो गया। यानी आपका देखिए 1 की जगह कितना आ गया 10,
टू की जगह 35 और थ्री की जगह 56, यानी आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का अनुपात क्या हो गया, तो 10:35:56 हो गया, 35:56 हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि पहली और तीसरी, तो पहला 10 है और तीसरा आपका 56 है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10:56 हो जाएंगे। अब देखिए इसको और भी छोटा कीजिए, सिंपलिस्ट कीजिए, तो 200 का काटिए 5 हो जाएगा, 200 का काटिए 28 हो जाएगा, यानी 5:28 हो जाएंगे, यानी फर्स्ट और आपका थर्ड का अनुपात, यानी आपका ऑप्शन नंबर ई आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है क्योंकि आपका इसमें पॉइंट में दिया हुआ है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसे आप देख लीजिएगा। इसका हम सोल्यूशन आपको पीडीएफ इसका सोल्यूशन का अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन आसानी है, आपको समझ में आ जाएंगे। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप इसे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, आपको हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को भेज देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है। देखिए क्वेश्चन है कि इतना बराबर जीरो है तो कोई हल नहीं है, तो के का मान क्या होगा। आप पढ़ेंगे क्लास 9th में, इसका हल नहीं होगा, यानी डी क्या हो, जीरो से छोटा होगा। डी क्या है, तो विवेचक है, यानी डिस्क्रिमिनेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है डी का, तो ये होता आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका जीरो से छोटा होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर लेस देन क्या होना चाहिए, 4ac होना चाहिए। अब चलिए करते हैं, बी की जगह क्या है, तो बी की जगह आपका वैल्यू के है, तो के का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। ये लेस देन इक्वल क्या होगा आपका 4ac, 4 ए की जगह आपका 1 है, सी की जगह आपका क्या है, तो आपका सी की जगह आपका 7.4 है, सी की जगह आपका 7.5 है, ठीक है। अब यहाँ कर दीजिए के का, ये के स्क्वायर हो गया, ये लेस देन, इसको आप गुना कीजिए, तो 7.5 को 4 से गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 30 आ जाएंगे, ठीक, 30 के आ जाएंगे, ठीक। अब इसको इधर लाइए तो आपका क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 30 के इज लेस देन 0, के कॉमन कीजिए, के माइनस 30 इज लेस देन 0। या पढ़ेंगे क्लास 11th में इसको कैसे लिखते हैं, तो ये आपका इनक्वालिटी है, इसका ये मतलब है कि के की वैल्यू आपका 0 से लेकर 30 के बीच में होगा। इसको लिखना आप सीखे होंगे क्लास 11th में, इनक्वालिटी चैप्टर है, यदि आप साइंस रखे होंगे तो ये आप पढ़े होंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन आपका 94 है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न आपका है कि रेखा की ढलान यानी स्लोप m का मान ज्ञात कीजिए। कथन है कि y बराबर आपका है mx+2 है और रेखा इससे गुजरती है, तो कह रहा है क्या ये दोनों पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त है। यदि हमें मालूम है कि ये इस पॉइंट से ये लाइन गुजरती है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका वैल्यू रख देंगे, यानी ये क्या है, x का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 2 है, तो x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, तो y बराबर 1 हो जाएंगे, m गुने 2 हो जाएंगे, प्लस आपका 2 हो जाएगा। यहाँ से हम आराम से m का वैल्यू निकाल सकते हैं, आप यहाँ से निकालिएगा तो -1/2 आ जाएगा, क्या निकाल लिए, यानी स्लोप हम निकाल सकते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपका ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी आपका दोनों चाहिए, यानी आपका क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन 95 है कि 5 मानों का विचलन क्या है, 16 है, यदि प्रत्येक मान दोगुना हो जाता है तो नए मानों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए मानक विचलन कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर 16 हो जाएगा, यानी इसका 4 है, ठीक। अब अगर इसको दोगुना करेंगे तो मानक विचलन भी आपका क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएंगे, यानी 4 × 2 = 8 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है, कह रहे साधारण भिन्न में क्या होते हैं, तो साधारण भिन्न में उसके हर होते हैं 10, 100, 1000 इत्यादि के अलावे अन्य भी होते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 97 है। अब देखिए 97 क्या है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, कोई त्रिभुज आपका क्या है ए बी सी है, ये त्रिभुज आपका क्या है, तो ए बी सी है, एक सेकेंड, ये त्रिभुज आपका ए बी सी है, ठीक। कह रहा है आपका ए बी बी सी के बराबर, ये ए बी जो है ये आपका बी सी के बराबर है, और कह रहा है कोण का माप 75 डिग्री है। अब बताइए इसमें हम किस कोण को माने 75 डिग्री, अब तो ये नहीं कह रहा है कि किस कोण का है, सो ये कह रहा है कोण का माप 75 डिग्री है। अब देखिए क्वेश्चन में ही आपका फॉल्ट है, क्यों, क्वेश्चन ठीक कह रहा है ए बी और ए बी बराबर बी सी है और कोण का मान आपका 75 है, किस कोण को माने हम, ए को माने कि बी को माने कि सी को माने, सोचे कह रहा है कोण 75 है, क्या करें हम बता। अब मान लीजिए हम इस कोण को मानते हैं तो अलग आंसर आएगा, इस कोण को मानते हैं तो अलग आंसर आएगा, चलिए हम किसी को मान के देखते हैं।
आप यदि कोण देखिए, यदि ये आपका कोण दिया है, इससे मान लेते हैं हम कि ये कोण आपका दिया 75, ठीक, ये दिया आपका 75, तो ये आपका 75 होगा, तो ये भी आपका 75 होगा। क्यों? ये दो भुजा आपका बराबर है तो उसका संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी ये भी आपका क्या होगा 75 ही डिग्री होंगे। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होते हैं, ये आप दोनों को जोड़ किए तो आपका 75 150 हो गया, यानी आपका 150 हो गया, तो ये कोण कितना होगा, यानी 30 डिग्री होगा। तब तो आपका 180 पूरेंगे, यानी तब आपका इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। लेकिन जब अभी कोण आपको बदलेंगे तो उसका आंसर भी बदल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में आपका, यानी ये डिपेंड करता है ये कोण कौन सा मान दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए हम जिसको माने थे उसके अनुसार हमको 30 आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 98 है। क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पहले मेरी उम्र के 3 गुने को, 3 वर्ष पहले मान लीजिए वर्तमान आपका इसका एक्स आयु क्या है, एक्स है, तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, तो एक्स माइनस 3 होगा, ठीक करा है। 3 वर्ष पहले के 3 गुने, तो चलिए इसे 3 गुना कर दीजिए, के 3 गुने, 3 से हम गुना भी करते, 3 गुने करा है। और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इसका आयु क्या होगा, तो एक्स प्लस 3 हो जाएंगे, 3 साल बढ़ जाएंगे। के बाद 3 गुने से, 3 गुने से घटाने पर मेरी उम्र प्राप्त होती है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसके आयु के 3 वर्ष पहले के 3 गुना और उसके आयु के 3 वर्ष बाद के 3 गुना में से घटाते हैं तो उसका वर्तमान आयु आते हैं, यानी इसमें से आप जब इसको माइनस कीजिएगा तो उसका वर्तमान आयु आ जाएंगे, यानी आपका x प्लस 3 गुने 3 माइनस x माइनस 3 गुने 3 बराबर इसका आयु कितना है x, ये आ जाएंगे आपका। यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी x प्लस 3 गुने 3 माइनस x माइनस 3 गुने 3 ये आ जाएगा आपका वर्तमान आयु, यानी x के बराबर आ जाते हैं। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, ये आएगा आपका आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा आपका 3 * 9, यहाँ से आ जाएगा क्या -3x, यहाँ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 3 * 9, 3x कर जाएंगे, 9 * 2 = 18, यानी x का मान यहाँ से क्या आ गया आपका 18 आ गया, यानी इसका अभी कितना आयु है, तो आपका ये 18 वर्ष इसका आयु है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है। अब देखिए 99 ये क्वेश्चन आपका, यानी क्लास 10th का है, ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर क्लास 10th का क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई भी अंतर है। देखिए आपका क्या है, 1 + cos θ बटे sin θ, इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या कीजिए इसे ऊपर नीचा 1 - cos θ से गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सेम से कर रहे तो इसको आप यूज कर लीजिए, यानी a + b * a - b हो गया है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 - cos²θ हो जाएगा, यानी ऐसे तो होता है a² - b², a + b * a - b क्या होता है a² - b², ठीक। नीचे में आपका क्या रह गया, यहाँ रह जाएगा आपका sin θ, यहाँ आ जाएगा आपका 1 + cos θ, ठीक। अब देखिए ये क्या है, 1² 1 ही होता है, तो ये हो गया आपका 1 - cos²θ हो गया, क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 - cos²θ हो गया। आपको पता होगा कि 1 - cos²θ क्या होता है, sin²θ होते हैं, तो यह जगह आपका sin²θ बटे आपका यहाँ जगह sin θ इंटू 1 + cos θ, सॉरी 1 - cos θ, ठीक। ये sin आपका कट जाएंगे, एक sin तो कट गया, बचेगा आपका sin θ बटे 1 - cos θ, sin θ बटे 1 - cos θ, 1 - cos θ, इन आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, क्या आ जाएगा sin θ, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएंगे sin θ बटे 1 - cos θ, इन आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 100 है। 100 में देखिए आपका, इसमें आपको देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको डरा दिया है, डरना नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, इसको गुना करना है, ठीक, गुना कीजिए कोई बात नहीं, इसको आप भिन्न जोड़ कर सकते हैं, क्या आपका 8/9 आ जाएंगे, इसमें आप भिन्न जोड़ कीजिए क्या आएगा 7/9 आ जाएंगे, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6/9 आ जाएंगे। इसको गुना करते करते आपका देखिए 9/9 क्या आ गया, 1 हो गया, 1 - 1 जाएगा तो आपका यहाँ 0 आ जाएगा। अब बताइए किसी संख्या में हम 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो डरना नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन होता है जो आपको देख के लगता है बहुत डरावना है, लेकिन रहता है बहुत आसान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 101 है। देखिए आपका इसमें क्या है, अगर इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा, SF क्या होगा, तो क्या करेंगे सभी का फैक्टर तोड़िए, इसका फैक्टर तोड़िएगा आप, तो यह आएगा आपका क्या, ये आएगा आपका यानी t², ये हो जाएगा -4t + t - 4, यानी यहाँ से आएगा t - 4 * t + 1, ये आपका इसका फैक्टर आएंगे, ठीक।
और अब इसका फैक्टर क्या आएगा, इसका फैक्टर आएगा टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन आएंगे। तो एस एफ क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो, और इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो इसका जब फैक्टर तोड़िएगा तो आपको परिमेय संख्या के रूप में आएगा, या आपका यानी रूट के में आएंगे, रूट के फॉर्म में आएंगे। यानी इसको जब भी आप तोड़िएगा तो आपका रूट के फॉर्म आएंगे, क्योंकि आपका फैक्टर सीधे सीधे टूट नहीं रहा, तो यानी इसमें आपका कॉमन कोई भी नहीं आएगा तीनों में देखा जाए। यानी जब इस मान लीजिए इसका हम बनाते हैं इसको, तो इसको बनाते हैं जब आपका, तो ये आएगा आपका रूट में, और कोई भी आपका रूट में है क्या, ये आपका है नहीं है, यानी कॉमन आपका किसी में नहीं आएगा, तीनों में से कॉमन कुछ नहीं आएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो वन तो आएगा, वन तो आएगा ही, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो वन तो कॉमन है, यानी इसका एस एफ आपका वन हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन आपका है कि रितेश ने 8 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाई, तो अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा के कुल औसत गति प्राप्त करने के लिए उसे कितने घंटे के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से गाड़ी चलानी चाहिए। अब देखिए इस केस में आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वी यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका वी वन इंटू टी वन प्लस वी टू इंटू टी टू बट्टे आपका टी वन प्लस टी टू हो जाएंगे। इस फॉर्मूला को यूज करना है आपको, क्या करेंगे यहाँ देखिए एवरेज स्पीड कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए, आपका वी वन कितना है तो आपका 60 है, टी वन कितना आपका 8 है, प्लस आपका वी टू को भीमा सॉरी वी टू दिया है, कितना दिया आपका वी टू भी दिया 80, ठीक, टाइम हम मान लेते टी, टाइम नहीं पता है, ठीक, बट टी वन 8 है प्लस टी हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ कैलकुलेशन कीजिए, आपको यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिए तो क्या होगा आपका 72 गुने यहाँ 8 आएगा, 72 गुने 8 प्लस आपका हो जाएगा क्या 72 टी बराबर यानी 8 × 48 यह आपका 480 प्लस आपका 80 टी आ जाएंगे। अब क्या कीजिए टी को इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, 586 माइनस आपका 480 और इसको इधर आ जाएगा आपका कितना 8 टी आ जाएंगे, यानी 80 माइनस 72 8 आ जाएगा, यहाँ आप माइनस कीजिए आपका आएगा 106, यहाँ आपका 8 टी, यहाँ से टी के वैल्यू आपका आएगा 106/8 यानी 8 × 8 8 × 16 यानी आपका 12 घंटा यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन आपका है करा क्या एक नौ 4 घंटे में, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है आपका 1 9 4 घंटे में नीचे की ओर एक निश्चित दूरी तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे समय लगते हैं, लौटने में 6 घंटे समय लगते हैं, अभी भी पानी में नाव की गति तथा धारा की गति का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ दूरी है उसको जाने में क्या लगता है, तो ये जाने में लगता है आपको 4 घंटा समय लगता है, और उसका आने में कितना समय लगता है तो उसे 6 घंटा समय लगता है। अब देखिए जाने में 4 घंटा और उसे लौटने में 10 यानी 6 घंटा, इसका मतलब देखिए यानी नदी में जा रहा है ना, नदी में तैर रहा है, यानी देखिए नौ का यानी मान लेते हैं कि देखिए गया होगा आपका पानी की दिशा में, गया होगा नौ से आया होगा पानी के विपरीत दिशा में, इसलिए समय ज़्यादा लगा है। हम मान लेते आपका कि इसका नौ का चाल भी है और उसका पानी के चाल क्या है यू है, तो जाने में भी प्लस यू आपका क्या होगा आपका ये हो जाएगा आपका यानी ये हो जाएगा आपका क्या यानी रिलेटिव स्पीड हो जाएंगे v प्लस यू, और कितना समय लगा तो आपका 4 घंटा समय लगा, आने में कितना लगा तो v माइनस यू आने में समय कितना लगा तो आपका 6 घंटा लगा। आप क्या कीजिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आपसे कैलकुलेट कीजिए, आपको इसको कीजिएगा 2 × 4 × 2 = 6 यहाँ से आ जाएगा 2v2u, एक सेकेंड 2v2u, 2v + 2u बराबर 3v − 3u, ठीक है, इसको आप इधर लीजिए इसको इधर लीजिए तो आपका यहाँ से आ जाएगा वी बराबर 5u, यहाँ से क्या करेंगे वी बट्टे यू करेंगे तो क्या आएगा आपका 5:1 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, 103 का आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 104 है। क्वेश्चन आपका 104 है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका है कि एक शूटिंग परीक्षण में लक्ष्य को भेदने की ए की प्रायिकता 1/2 है, बी का 2/3 है, सी के लिए इतना है, तो कह रहा है वे एक ही लक्ष्य पर फायर करते हैं तो क्या प्रायिकता है कि उनमें से एक ही लक्ष्य भेदता है। देखिए क्या करेंगे तो ए का आपका है 1/2, बी का आपका है 2/3 और सी का आपका कितना है तो 3/4 है, तो इसको क्या कीजिए 1/2 × 2/3 × 3/4 आपका आ जाएगा
तीन तीन कर जाएगा दो दो, यानी आपका 1/4 आ जाएंगे। इसका क्या होगा प्रयोग, 1/4 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है। 105 आपका है, कह रहा है एक संपूर्ण त्रिभुज का कर्ण क्या है, 14√2 है। तो कह रहा है दिए गए त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसका परिवृत्त क्या होगा, ये आपका इसका परिवृत्त होगा, ठीक। अब कह रहा है इसका विकर्ण कितना है, ये यानी ये कितना है, ये आपका है 14√2 है, 14√2 है। आपको पता होना चाहिए जो इसका विकर्ण है वही इस ये वृत्त का व्यास होता है, जो इसका विकर्ण होते हैं वही त्रिभुज ये यानी आपका वृत्त का व्यास होते हैं। तो व्यास यानी 2r, तो 2r का वैल्यू कितना हो गया आपका, तो 14√2 हो गया, 14√2 हो गया, यानी 2r बराबर आपका हो जाएगा 14√2 हो जाएंगे। यहाँ से r का वैल्यू क्या आएगा, तो r का वैल्यू हो जाएगा आपका 7√2 हो जाएंगे, r का वैल्यू 7√2 हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होते हैं, पाई का मान दिया हुआ है 5/7, आर का मान कितना आ गया आपके, अभी आपका 7√2 आ गया, आर का मान 7√2 आ गया, स्क्वायर है तो 2 और गुना कर देंगे, 7√2 × 7√2 7 कट जाएगा आपका। यहाँ देखिए आपको पता होना चाहिए कि √2 और √2 को गुना कर दें तो 2 आता है आपका, ठीक है 2 आएंगे, यानी आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 22 × 44 गुना कीजिए, 7 × 28 28 × 2 30 यानी 308 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन आपका है कर इसके यानी किसके प्रयोग, इसके प्रयोग से कौन हम नहीं बना सकते हैं, तो ये देखिए आपका सी ऑप्शन, ये हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपका टी का 2 बार यूज हुआ है, जबकि आपका इसमें सिर्फ केवल एक ही टी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है। 107 में देखिए आपका क्या है, 107 में देखिए क्या किया गया, इसमें ऐसा है आपका कि ए ए बी बी यही आपका रिपीट किया हुआ है, ए ए बी बी इसमें आपका रिपीट है। अब देखिए यहाँ पर आपका ए ए है, यहाँ तक बी बी हो जाएगा, फिर बी बी, फिर ए ए, बी बी ए ए, फिर आपका हो जाएगा ए ए, यहाँ बी बी, ए ए तो बी बी, यहाँ बी होगा, यहाँ आपका हो जाएगा बी बी ए ए बी। अब देखिए किस ऑप्शन में है, बी बी ए ए बी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 है। इसमें आपको क्या करना है, तो आपको अरेंज करना है, क्वेश्चन नंबर 108 में आपको अरेंज करना है, कीजिए आप इसको अरेंज करना है, आपको इसको कीजिए। सबसे पहले क्या होगा, अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले होगा आपका यानी लकड़ी, ठीक लकड़ी होगा, पहले होगा आपका लकड़ी, इसके बाद क्या है, इसके बाद कारखाना जाएंगे लकड़ी, ठीक यानी एक के बाद 3 हो जाएंगे। कारखाना जाने के बाद क्या होगा, उससे लकड़ी, लकड़ी से कारखाना जाएंगे, कारखाना से इसे क्या बनेंगे, कागज़ बनेंगे, यानी 1 होगा, उसके बाद आपका 3 होगा, 3 के बाद आपका 4 होगा, कारखाना जाने के बाद छपेंगे वो, उसके बाद आपका ये क्या बनेंगे, किताब बनेंगे, तो 1 3 4 5 2 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 109 है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सा आरेख राजनीतिक कवियों और महिलाओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए राजनीतिक कवियों और महिलाओं, देखिए आपका महिलाएं जो है आपका महिलाएं वो आपका हो सकता है राजनीतिक भी हो और आपका कवि भी हो, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 है। इसमें आपको मिरर इमेज बनाना है, क्या कह रहा है, उस आकृति को कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए रेखा पर रखा हो, क्या है उस आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। सही इसका प्रतिबिंब बताना है, वो कौन सा बनेगा, देख लीजिए, तो देखिए प्रतिबिंब बनेगा यानी ये एरो आपका इधर है तो ये आपका इधर हो जाएंगे एरो, ठीक। अब ये आपका एरो इधर है तो ये आपका इधर हो जाएंगे एरो, ठीक, यानी प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा आपका, तो देख सकते हैं आपका कैसा है, और ये देखिए ये पार्ट इधर आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका सेम टू सेम है, इसका बन जाएंगे आपको क्या, इसका इमेज क्या होगा, सी बनेंगे, देखिए ना ये आपका इधर है तो इसका इमेज आपका इधर बनेगा, और ये आपका इधर तो इसका इमेज में ये इधर बनेंगे, ठीक, यानी और ये पार्ट आपका इधर होगा। आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111 है।
क्वेश्चन आपका 101 इसका भी आंसर आपका इस बुक में गलत दिया है। तो आप इस बुक से आंसर मत मिलाइएगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका गलत दिया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे है जिसका आंसर आपका गलत दिया है। तो कभी भी रंजीत सर का जो आंसर किया है उससे आप आंसर की मत मिलाइएगा, अपने से बनाइए, नहीं बन रहा आप तो उसको सर्च कीजिए, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन देखिए 11 क्या है कि इसको क्या यानी देखिए क्या किया है, तो 6 का स्क्वायर करके 36 कर दिया है और इसको क्या किया अंक को पलट दिया। देखिए 36 के अंक को पलटिएगा तो क्या आपका होगा 63 हो जाएंगे। इसी तरह आप देखिए किसमें है, यहाँ देखिए बी में 8 के स्क्वायर आपका 64 होता है और 64 को पलटिएगा तो 46 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112 है। 112 में देखिए आपका क्या किया, तो क्या किया इस सभी अंक डिजिट को ऐड किया है और इसको भी ऐड किया। देखिए 1+7+6+5+2+6 सभी की एड कीजिए आपको 27 आ जाएंगे। इसमें से क्या क्या 3 को माइनस किया है तब आपका आया 24 आया है, तब आपका ये आया है, ठीक। इसी तरह यहाँ भी किया गया, इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, क्या करेंगे तो 2+5+3+4+7+1 कर देंगे, ठीक। ऐड कीजिए 5 2 7 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, 10 4 14 14 1 15 15 7 22 यानी ऐड करने पर 22 आया, लेकिन 22 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका 19 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन नंबर आपका 113 है, इसमें देखिए सिंपल आपका है, यहाँ ए है तो यहाँ बी है, फिर सी है, फिर यहाँ क्या होगा तो आपका डी हो जाएंगे, फिर यहाँ देखिए बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद क्या ई के बाद एफ है, एफ के बाद यहाँ जी है, जी के बाद यहाँ क्या होगा एच हो जाएंगे, यानी डी ई एच होगा इसका आंसर, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी डी ई एच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है। 114 है, यहाँ ध्यान से देखिए आपका क्या है, देखिए एक एफ के बाद देखिए एफ के बाद जी फिर एच फिर आई, यानी 3 प्लस करने पर आया है, फिर देखिए पी के बाद आपका क्या है टी है, पी के बाद क्यू आर एस टी यानी 4 प्लस करने पर आपका टी आया है, फिर देखिए सी के बाद आपका एच है, सी के बाद डी ई एफ जी एच यानी 5 के बाद आपका एफ आया है, यानी क्या करना है उसी तरह से हम यहाँ से भी क्या करेंगे पहले 3 आगे फिर 4 फिर 5 यहाँ कीजिए, L के बाद 3 प्लस कीजिए, L के बाद M N O यानी क्या होगा O होगा, फिर X के बाद 4 कीजिए, X के बाद Y Z A B यानी B आ जाएंगे, फिर 5 कीजिए, M के बाद N O P Q R क्या होगा आपका हो जाएगा O B R हो जाएंगे इसका आंसर, आपका ऑप्शन नंबर B आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है। 115 में देखिए क्या आपका, यहाँ देखिए एक है यहाँ 2 है 3 है यहाँ 4 है, तो यहाँ आगे क्या होगा 5 होगा, सिंपल है। अब देखिए यहाँ 2 है 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 हो जाएंगे, ठीक। फिर देखिए 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 तो यहाँ क्या होगा 7 हो जाएगा, यानी 5 6 7 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 5 6 7। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है। अब देखिए क्वेश्चन 116 में क्या देखिए, इनमें से कौन से विषय 2 या 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। देखिए इसका वेन डायग्राम थोड़ा मिस हो गया है, वेन डायग्राम बना ही नहीं है और क्वेश्चन आपको दे दिया। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे कहाँ से बताएंगे कि बताओ इसमें क्या है कि कौन सा अध्यापक सर्वाधिक विषय पढ़ाते हैं, कहाँ से पता चलेगा बताइए। यानी इसका जो वेन डायग्राम होना चाहिए इस क्वेश्चन का वो आपका नहीं दिया हुआ, यानी क्वेश्चन ही मिस्टेक है। अब देखिए इतना फास्ट क्वेश्चन टाइपिंग किया, इतना फास्ट बुक को छाप दिए हैं यानी पैसा कमाने के चक्कर में कि क्वेश्चन ही अधूरा है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो कितना क्वेश्चन ही गलत दिया है, तो कितना क्वेश्चन का आपका यानी कंप्लीट ही नहीं है। अब देख सकते हैं इसमें देखिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है, आपका क्वेश्चन तो दे दिया लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसका कहाँ है, ये कहाँ से हम पता करेंगे कि कौन सा अध्यापक 2 विषय पढ़ा रहे भाई, इसका वेन डायग्राम कहाँ है, नहीं है। इसका मतलब है इसको इतना जल्दी था कमाने के चक्कर में, इतना जल्दी क्वेश्चन को यानी प्रिंट किया है, प्रैक्टिस सेट बनाया है कि आधा से ज़्यादा गलत ही है, आधा से ही ज़्यादा गलत है, लेकिन फिर भी वो डेली प्रमोट करते हैं अपने बुक को। भाई बुक कैसे बिकेंगे आपका, बुक यदि आप सही से बनाएंगे तब तो, लेकिन आप क्वेश्चन आधा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है उसे हमें चेक करना पड़ता है, फिर आप देखिए इसमें आपका क्वेश्चन ही अधूरा दिया है। तो इस बुक को मत परचेज कीजिए, आपको हम जितना प्रैक्टिस सेट करवा देंगे उसे आप बनाइए और उसको परचेज मत कीजिए, इस बुक को परचेज मत कीजिए, हम परचेज कर लिए हैं तो हम बनवा देते हैं आपको, ठीक। लेकिन हम करेक्शन के साथ करते हैं, आपको गलत नहीं मिलेगा, हो सकता है 1-2 मिस्टेक हो जाए अलग बात है, लेकिन हम पूरे कोशिश करते हैं आपका कि पूरे चेक करके हम क्वेश्चन को बनाते हैं, आपको हम दिखाई दे कितना क्वेश्चन आंसर कर दिया है। अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन ही मिस है, यहाँ से क्वेश्चन 16 आपका बर्बाद हो गया, क्वेश्चन 16 गलत, क्वेश्चन 16 पूरा नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन 16 हो गया, फिर आपका क्वेश्चन 17 हो गया,
क्वेश्चन 17 इसी पैसेज पे होता तो क्वेश्चन 17 नहीं है, फिर आपका 18 है ये भी आपका बर्बाद है, यानी तीन क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं बना सकते, क्यों पैसेज नहीं दिया, पैसेज नहीं दिया या आपका जो भी हो वैन डायग्राम हो जो भी हो ये आपका दिया नहीं है, कहाँ से सोल्व करेंगे हम। ठीक, 18 तो नहीं हुआ, चलिए 19 में देखते हैं। 19 में क्या है, 19 में कहा था आपका 119 है कि एक परिवार में एक पुरुष और उसकी पत्नी है। ठीक, एक पुरुष है एक आपका मेल है, ठीक एक पुरुष है यानी मेल है और एक आपका फीमेल है। अब कह रहा है उसकी, ठीक है, और कह रहे उसके चार पुत्र है, चार पुत्र और उसकी पत्नियां हैं, चार पुत्र है यानी इसके चार पुत्र है, ध्यान दीजिए चार पुत्र है और उसके आप उसके पुत्र के पत्नियां भी है, यानी चार उसके यानी महिला भी हो जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि पुत्र के अपने परिवार में तीन तीन बेटे हैं। आप देखिए प्रत्येक उसके बेटा का तीन तीन बेटा है, तीन बेटा है प्रत्येक का, तो चार, ठीक इसका यानी ऐसे करके तीन का सबका क्या है, तीन तीन को पुत्र है। ठीक, और कह रहा है एक एक बेटी है और एक एक बेटी भी है सभी को। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, पुरुष कितना है। देखिए सबसे पहले एक मेल यहाँ था, एक तो यहाँ हो गया, ठीक, और उसके बाद चार इसका पुत्र है तो चार हो गया, और चार पुत्र का आपका क्या है, तीन तीन पुत्र है, तो चार क्या 12 यहाँ से आ गया, तो 12 × 4 = 16 = 17 यानी टोटल आपका 17 इसमें क्या है, तो पुरुष है आपका। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 120 है, क्वेश्चन आपका 120 है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी एक साथ बैठे हैं, टी एक अंतिम छोर पर है। देखिए मान लेते ये आपका एक क्या है लाइन, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, पांच आदमी बैठा हुआ है, आपका टी अंतिम छोर पर, हो सकता है टी आपका यहाँ हो चाहे यहाँ हो, किसी एक छोर पर तो होगा ही। ठीक, और कह रहा है आपका कि पी टी के पड़ोसी है, पी जो है वो टी के पड़ोसी है, तो हो सकता है पी यहाँ हो चाहे आपका यहाँ हो। ठीक, पी का पड़ोसी है और क्यू के बाएँ से तीसरे स्थान पर है, क्यू के बाएँ से तीसरे स्थान पर है। अब देखिए मान लीजिए हम क्यू को यहाँ रखते हैं, ठीक है, क्यू के बाएँ से तीसरे स्थान पर है, तो आपका पी तो यहाँ हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ आपका टी है। इसका मतलब ये है आपका एक चीज़ पता चल गया हमें कि ये आपका टी यहाँ नहीं होगा। ठीक, टी आपका यहाँ नहीं होगा, टी आपका यहाँ होगा। ठीक है, तब तो इसका पड़ोसी आपका क्या होगा, पी होगा, और यहाँ मान लीजिए हम यहाँ क्यू रखते हैं तो उसके दाएं से आपका तीसरा क्या हो जाएगा, आपका पी हो जाएगा, यानी करेक्ट आपका यही होगा, यानी पी आपका यही होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो कर रहा है दाएं पर है क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, कर रहा है टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, टी के दाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, तो क्यू है, यानी टी के दाएं से चौथा क्यू है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।